गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो तिग्वा का टेंपल था वो आपका विष्णु को समर्पित था, और ये क्वेश्चन नंबर 30 था, 2022 का ये क्वेश्चन है, राइट। तो अगला जो क्वेश्चन इसको देख लेते हैं हम लोग। जो अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का है, यहाँ पे है कि द द्रौपदी रथ एट महाबलीपुरम इज ऑफ। हिंदी में देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महाबलीपुरम का जो द्रौपदी रथ का मंदिर है वह किस प्रकार का है, तो वो आपका है एक तल प्रकार का। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है कि वह एक तल प्रकार का है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे द बाहुबली मोनोलिथ एट श्रवण बेलगोला इज कार्व आउट ऑफ, मतलब जो श्रवण बेलगोला का जो बाहुबली की प्रतिमा है एकास्मक, वह किस मटेरियल का बना हुआ है। यहाँ पे हिंदी भी पढ़ लीजिए, श्रवण बेलगोला में बाहुबली एकास्मक किससे निर्मित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जिससे आप जान सकते हैं कि जो है ग्रेनाइट से जो है कि बना हुआ है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, ये जो है मूर्ति को गोमतेश्वर बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो हाइट है मतलब ऊंचाई 57 फीट है, 57 फीट। 981 AD में गंगा डायनेस्टी के मंत्री चामुंडराय ने इसका निर्माण करवाया था, और ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि उदयगिरी खंडगिरी जो केव्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है, मतलब उनका जो स्थान है वो कहाँ पर मिलते हैं। हिंदी में भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कि जैन मठ से संबंधित उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं अवस्थित हैं, मतलब कहाँ पे हैं, तो ये है आपका उड़ीसा में अवस्थित हैं, उदयगिरी में। खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख भी जो है आपका कहाँ पे है, उदयगिरी में ही है। इज इट क्लियर। द बुद्धिस्ट रिलिक कास्केट विद द नेम ऑफ कनिष्का हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट, मतलब जो बुद्धिस्ट साइट है यहाँ पे कनिष्का संबंधित कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है, वो कौन सी साइट है, यहाँ पे हिंदी में पढ़ लीजिए, लिखा है कनिष्क के नाम के साथ बौद्ध धातु मंजूसा निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है शाहजी की ढेरी। अब शाहजी की ढेरी जो साइट है ये कहाँ पर है, ये साइट है आपका पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, और यहाँ पर कनिष्क के नाम से जो है कि एक बौद्ध धातु मंजूसा मिली है, डेटिंग है आपका अराउंड 200 ईस्वी, और यहाँ पर जो है एक्सवेशन डीबी स्पूनर ने किया है, और डीबी स्पूनर ने जो है कि नालंदा की भी खुदाई डीबी स्पूनर ने किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35। द सीता बिंगा एंड जोगी मारा केव्स आर लोकेटेड इन, मतलब जो सीता बिंगा और जोगी मारा की जो गुफाएं हैं ये कहाँ पर किस जो है स्टेट में स्थित हैं, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, छत्तीसगढ़ में जो है कि ये गुफाएं अवस्थित हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का देख लेते हैं, वो ये है कि द थ्री केव्स इन नागार्जुन हिल्स हैव इंस्क्रिप्शन ऑफ, मतलब आपको पता है कि बराबर की पहाड़ियों पे जो है नागार्जुन हिल्स भी है, और नागार्जुन हिल्स पे जो है कि इंस्क्रिप्शन मिलते हैं तीन गुफाओं में, और वो किसके मिलते हैं, तो वो जो है कि अशोक का जो पौत्र है दशरथ, ठीक है, उसके जो है कि इंस्क्रिप्शन देखने को आपको मिलते हैं कहाँ, नागार्जुनी हिल्स पर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, यहाँ पे है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ APA इन रेफरेंस सिस्टम, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसको देख लेते हैं, विच कुषाण रूलर इश्यूड गोल्ड कॉइन विद द लेजेंड बुड्डो, मतलब ऐसा कौन सा जो कुषाण शासक है जिसके सिक्कों पर आपको बुड्डो मतलब बुद्ध आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका है कनिष्क प्रथम, आप लोग बेहतर जानते होंगे इस बारे में, यहाँ पर भी हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है कनिष्क प्रथम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अप्रतिरथ जो टाइप के जो कॉइन्स हैं वो जो है किसने चलाए हैं, मतलब किसके सिक्कों पर आपको अप्रतिरथ विशेषण देखने को मिलता है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो है प्राग प्रशस्ति इलाहाबाद से मिलता है, और हरिचरण ने उसको लिखा है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, उसमें ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द मास्की एडिक्ट वॉज डिस्कवर्ड, मास्की आपका जो है 1915 में डिस्कवर हुआ था, कब 1915 में, मास्की कहाँ पे है,
कर्नाटका में मास की खुदाई जो है कि मास के बिगेथापड़ ने प्लस जो है कि मार्टिन व्हीलर ने भी शायद यहाँ पे खुदाई की है। और मास की अभिलेख से जो है कि अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है। और मास्की के अलावा जो है कि अशोक के तीन अभिलेख और भी हैं, आपको पता होगा, मास्की, निट्टूर उद्गोलम और गुर्जरा, ये चार ऐसे अभिलेख हैं जिसमें जो है कि अशोक का नाम आपको देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 41 है, उसमें ये है कि 3A सिस्टम इज रिलेटेड टू, मतलब जो कि आपका 3A जो सिस्टम है वो जो है किससे संबंधित है, राइट? तो वो है आपका कॉपर ब्रांच और आयरन से संबंधित है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको तीन सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट करेंगे कॉपर ब्रांचेज और जो है आयरन इज इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी सी डी। तो इसमें जो बी सी डी सही ऑप्शन होगा वही होगा, बी सी डी आपका ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है? तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में है कि कैल्शियम सल्फेट इज, राइट, कैल्शियम सल्फेट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, मतलब जो कैल्शियम सल्फेट है उससे आप किस किस चीज़ों के ट्रीटमेंट में लेते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट? तो इसका जो यूज़ होता है आपका बोन के लिए होता है और जो है लाइम स्टोन के लिए होता है। इसको हिंदी में देख सकते हैं कि इसे क्या कहते हैं, अस्थि और चूना पत्थर। ये दो ऐसे मतलब चीज़ हैं जिनका ट्रीटमेंट जो है कैल्शियम सल्फेट के जरिए होता है। ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए और डी सही है। तो ए डी कहाँ पे है, ए डी ऑप्शन नंबर 4 है, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। इसके बाद चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर का है, इसमें ये लिखा है कि वेट बॉटलिंग पेपर इज यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सोख्ता पेपर, लकड़ी और पेपर के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट? इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या लिखा है कि जो सोख्ता पेपर है वो किसके संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो सोख्ता पेपर है वो आपका, मैंने बताया आपको कि वो लकड़ी और पेपर के संरक्षण के लिए जो है कि यूज होता है, लकड़ी और पेपर के लिए। तो ऑप्शन ए और डी सही है, ए डी जहां भी वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, सी नहीं, डी। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स आर रिलेटेड टू ओसीपी कल्चर, मतलब ओसीपी कल्चर से संबंधित जो है जो टूल्स हैं वो कौन से हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, जिससे आप ए बी और सी कहते हैं, जिसमें आपका हैकेट है, रिंग है, हारपून है। हिंदी में इनका नाम देख लीजिए, परसु है, वला है और मत्स्य भाला है, राइट? ए बी सी जो है ये आपका सही है, बाढ़ा ग्रीस में नहीं आएगा। ओसीपी कल्चर संबंधित इसको आप गैरिक मृदभान संस्कृति भी हिंदी में कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। इसमें ये है कि नेम ऑफ द मेगालिथिक्स आर, मतलब जो मेगालिथिक कल्चर है, राइट, इनमें से कौन कौन है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, ए बी डी है, ठीक है। तो ए आपका जो है ए बी और डी, इसमें एक्सटेंडेड बरियल नहीं आएगा, जबकि मल्टीपल हुड, मेनहिर और सार्कोफेगास जो है ये आपका मेगालिथ टाइप है, लेकिन एक्सटेंडेड बरियल आपका ये टाइप नहीं है। हिंदी में भी देख सकते हैं महापाफड़ का प्रकार क्या क्या है, तो आपने पढ़ा होगा फर्सिला होता है आपका, मेनहिर होता है, ठीक है, सोपेटिका होता है, मगर ये आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। इसमें यह है कि द पी सी डब्ल्यू लेवल्स हैज बीन फाउंड टू ओवरलैप विद लेटर पन लेवल ऑफ दिस साइट्स, मतलब जो आपका पी सी डब्ल्यू लेवल, इसको हिंदी में थोड़ा देख लेंगे और क्लियर हो जाएगा। इसमें यह है कि किस पुरा स्थल से जो है कि परवर्ती, हड़प्पा और चित्र दूसरण मृदभान संस्कृति के अवशेष एक ही धरातल से साथ साथ प्राप्त होते हैं, राइट? इसमें आपको कई ऑप्शन चूज करने हैं, मतलब तीन ऑप्शन इसमें से चूज करना है ए बी सी डी से। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है दधिरी, कटपालो और भगवानपुरा, ठीक है। इसमें दधिरी, कटपालो, भगवानपुरा, मतलब ए बी सी ऑप्शन आपका सही है। ये जो तीन साइट है यहाँ से जो है कि आपको
लीडरपन और PCW के बीच में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, मतलब ट्रांजिशनल फेज आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से ऑप्शन जो आपका ए है ABC वो सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इसमें ये है कि NBP WW अपीयर्स इन द फॉलोइंग रीजन लोकेटेड आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर जो आपका NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो आपका है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है इंडिया के बाहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें बी आता है और आता है आपका सी। तो मतलब तराई रीजन ऑफ नेपाल और श्रीलंका, मतलब जो आपका नेपाल का जो तराई क्षेत्र है और श्रीलंका, ये जो दो जगह हैं यहाँ से जो है कि आपको मिलता है NBPW, जिसे आप कहते हैं वही बहुत चमकीला ब्रांड होता है, काफ़ी जो है फाइन वैरायटी का होता है, जिसकी रेटिंग अराउंड इस समय जा रही है लगभग 1200-1250 के आसपास नालंदा से, देख लेना आप लोग, ठीक है, अर्लीस्ट 1250 के आसपास गई नालंदा से। जोफ्रा डी भी एक साइट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या है कि विच साइट्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द काली ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, मतलब जो गंगा की जो सहायक नदी है काली नदी, इसके किनारे कौन कौन से जो साइट है वो अवस्थित है, राइट। तो इसके जो किनारे हैं वो आपका है लाल किला साइट है और ये अतरंजी खेड़ा है, ये दो ऐसे साइट है, मतलब ऑप्शन ए और डी सही है। तो ए डी जो है आपका फोर्थ नंबर पे सही है, उसका मतलब जो आपका डी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको हिंदी में भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्तर गंगा नदी के, मतलब सहायक नदी जो काली नदी है उसके किनारे स्थित है। उसका जो करेक्ट आंसर है आपका अतरंजी खेड़ा था और जो है लाल किला, ऑप्शन ए डी सही है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर लोकेटेड इन द क्वेटा वैली, मतलब जो क्वेटा वैली है, ठीक है, क्वेटा वैली में कौन कौन से साइट जो है अवस्थित है। तो यहाँ के जो साइट है वो आपका किले गुल मोहम्मद और दम स्टाथ है। तो किले गुल मोहम्मद आपका ऑप्शन नंबर ए है और बी है, तो ए भी जो ऑप्शन है वो सही है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। जो ये ऑप्शन है उसमें ये है कि द इवोल्यूशन ऑफ अशोका पिलर कैन बी ऑब्जर्व थ्रू ट्रांजिशंस ऑफ, राइट, मतलब जो अशोका पिलर है उनको आप कैसे समझ सकते हैं कि उनमें जो है ट्रांजिशंस मिलते हैं, कैसे आप जानेंगे। हिंदी में थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें यह है कि अशोक स्तंभ का जो विकास है, राइट, जो अशोक स्तंभ का विकास है वो आप कैसे जानेंगे, कैसे परिवर्तन को समझ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आंसर नंबर ए, मतलब इसमें ए और बी सही है, मतलब जो पशु है उसको देख के समझ सकते हैं और जो सिर्फ फलक के प्रारूप है उसको भी आप देख के जो है समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है चेंजेस आई है अशोक के स्तंभ में, किस तरीके से विकास हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें ये है कि द इलाहाबाद पिलर हैज़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग रूलर, मतलब जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है किन किन राजाओं के आपको जो है नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें आपको मिलता है ABC ओनली, मतलब अशोक मिलता है, समुद्रगुप्त और जहांगीर, ये तीन नाम जो है कि आपको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। और साथ में कुछ और चीज़ जान लीजिए कि इसमें जो है कि पत्नी करुवागी का भी जिक्र मिलता है, समुद्रगुप्त की जो पत्नी है उनका भी जिक्र जो है कि आपको यहीं से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 53। इसमें ये है कि द टर्म अर्बनाइजेशन हैज़ बीन वेरियसली डिफाइंड बट परहैप्स द मोस्ट क्लियर स्टेटमेंट वॉज ऑफर्ड बाई वी गार्डन चाइल्ड हैज फॉलोइंग क्राइटेरियन, ठीक है। इसमें साइज है, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है, ठीक है, इंटरनल ट्रेड है और रूलिंग क्लास है। इसमें ऑप्शन में ABCD है, कई सारे जो है कि ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको हिंदी में थोड़ा देख लीजिए, हिंदी में यह है कि नगरीकरण पद को विभिन्न आधार पर परिभाषित किया गया है, लेकिन संभवतः वी गार्डन चाइल्ड द्वारा जो दिया गया कथन है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट नंबर जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। तो सी में क्या क्या है, सी में आपका ए बी और डी है। तो ये बात कर रहे हैं आकृति आकार की,
स्मारक स्थापत्य की और शासक वर्ग की आंतरिक व्यवहार से इनका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि द एविडेंस ऑफ स्केल हैज बीन फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग साइट, मतलब स्केल कहाँ कहाँ से मिला हुआ है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। ए और बी ओनली, मतलब मोहनजोदड़ो और लोथल से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और लोथल से जो है कि आपको स्केल देखने को मिलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 55 है। इसमें यह है कि विथ रिलेशन टू द एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड विच ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, तिथि निर्धारण की निरपेक्ष विधि के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, राइट। तो इनमें से जो है कि एब्सोल्यूट डेटिंग कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो सही है, केवल बी और डी। तो बी डी पे कौन कौन, इसको देख लेते हैं। बी में आपका C14 है और आपका ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी मेथड है, इंग्लिश में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं वृक्ष वलय परीक्षण। तो ये जो दो है ये आपका एब्सोल्यूट है, बाकी जो है वो सब रिलेटिव क्रोनोलॉजी है, क्लोरीन टेस्ट हुआ चाहे स्टरीकरण हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली जो है कितना सही है बाकी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर एक्सक्रेटेड बाई अरुण कुमार शर्मा, जिसे आप ए के शर्मा के नाम से भी आप जानते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही है, ए बी डी ओनली, मतलब ए सिरपुर, बी मतलब जो रजीम है और डी मतलब गुप्तकराल। तो गुप्तकराल ए के शर्मा आपको याद होगा। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर रिलेटेड टू महाभारत, मतलब जो महाभारत है उससे संबंधित जो कौन कौन सी साइट है। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, ठीक है। ए बी सी डी ऑल, मतलब चारों जो साइट है, ये चारों जो साइट है आपका ये महाभारत से संबंधित है, जिसमें हस्तिनापुर है, पानीपत, तिलपत, बागपत, ओके। आगे चलते हैं, हिंदी में वही चीज़ें देख लीजिए इसको यहाँ पे भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू अबाउट द अशोकन पिलर, मतलब जो अशोक का जो पिलर है, अभिलेख है, उसके बारे में क्या तथ्य सही नहीं है। इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के स्तंभ के विषय में सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन देख लीजिए, एकात्मक है, सुंडाकार है, जिसे आप टेपरिंग भी कहते हैं, ग्रेनाइट से निर्मित है और काल्पनिक पशुओं के शीर्ष वाले हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन सही नहीं आपको समझ में आ चुका होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, सी और डी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझो, आपको अच्छे से पता होगा कि जो अशोक का अभिलेख है, ठीक है, वो ग्रेनाइट से नहीं बल्कि सैंडस्टोन से निर्मित है। इसके बाद उस पर काल्पनिक पशु नहीं मिलते हैं, उस पर आपको क्या मिलता है, सिर मिलता है, बैल मिलता है, तो ये सब क्या है, सिर बैल मोर, ये काल्पनिक पशु थोड़ी ना, ये सब अलाइव है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ओके। हाथी का भी मिलता है, इनके साथ पता ही हो आपको। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इसमें यह है कि द अश्वमेध टाइप क्वाइंस वर इश्यूज बाई, मतलब जो अश्वमेध टाइप के जो क्वाइंस है वो किसने चलाए। तो आपको पता होगा दो शासकों ने चलाए, एक समुद्रगुप्त ने और एक कुमारगुप्त ने। तो ऑप्शन कौन कौन से आपका, ए और सी। तो ए सी कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसके बाद आगे चलते हैं, हिंदी में वही चीज़ है, देख लीजिएगा इसको। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 60 है, उसको देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 60 है उसमें यह है कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन मेंशन द नेम ऑफ, मतलब जो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो किसका नाम जो है कि मेंशन करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है उसको देख लेते हैं। इसमें है ए बी सी ओनली। तो इसमें आपको सात कर्णी का नाम मिलता है, आपको पता है, इसको भी हराता है, नंद के यहाँ भी जाता है और वहाँ से मूर्ति लेके आता है, आपको पता ही है, और दिमित जो भाग के मथुरा चला जाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। ये जो खारविल रहता है, इन तीनों को जो है बहुत बुरी तरीके से हराता है।
जो 61 को देख लेते हैं, 61 में क्या है कि द एवर इंस्क्रिप्शन कीर्ति वर्मन द्वारा विजित किन शासकों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो जो एहोल अवलेख है ये कीर्ति वर्मन द्वारा विजित नल मौर्य और कदम का जिक्र करता है। किसका? नल मौर्य और कदम, ए बी और सी, इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, ए बी सी ऑप्शन नंबर ए मतलब जो है ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल आर मेंशन इन द रुद्रदामन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, मतलब जो आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है इसमें जो है किन किन ऑफिशियल्स का नेम आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको मिलता है पुष्यगुप्त वैश्य का, दुशासन का और सुविशाख का। पुष्यगुप्त जो वैश्य है ये किसके टाइम पे था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। दुशासन था अशोक के टाइम पे। और सुविशाख किसके टाइम पे था? रुद्रदामन के टाइम पे। सुविशाख रुद्रदामन के टाइम पे था और चक्रपाली जो है स्कंदगुप्त के टाइम पे था, ऐसा कुछ है। राइट, आप लोग क्लियर कर लेना इस पॉइंट को। तो इसमें जो है कि पुष्यगुप्त, दुशासन और सुविशाख, तो इसमें हरिसिंह का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन ए बी और सी सही होगा। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। इसके बाद चलते हैं जो अगला है आपका, हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग। और अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 63 है, इसमें यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एडिटर्स ऑफ कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम वॉल्यूम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है। ठीक है, कौन नहीं है? तो उसमें आपका लूडर्स है और बी आपका बीबी मिरासी, ये दो लोग का जो है इसमें कंट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें क्या है कि मौर्या यक्ष स्कल्पचर हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम, मतलब मौर्य का जो यक्ष की प्रतिमा है वो कहाँ से रिपोर्टेड है। हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में यह है कि मौर्यकालीन यक्ष प्रतिमा कहाँ से जो है प्राप्त हुई है। राइट, तो ये जो है प्राप्त हुई आपका कहाँ से? ऑप्शन में क्या है? परखम है और लोहानीपुर है। ठीक है, ये बेसिकली पटना और बिहार के पास का जो है एरिया है। तो ये परखम और लोहानीपुर दो साइट है जहाँ से आपको देखने मिलती है। शरणजी से आपको जो है अशोक की मूर्ति मिलती है जिस पर रानी अशोक को आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सारनाथ से ऐसी कोई प्रतिमा अशोक की नहीं मिली, जबकि अभिलेख मिला है, आपको पता है लघु शिला अभिलेख है, जिसमें जो है कि ये जिक्र मिलता है कि अगर कोई भी जो है कि बौद्ध धर्म संघ में विभेद करने की कोशिश करेगा तो उसको सफ़ेद वस्त्र पहना के जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा आपको सांची से भी मिलता है, पता ही होगा किस बारे में। आगे चलते हैं। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन सही है। अभी कहाँ पे जहाँ पे देख उसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे उसमें ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव इल्डेड PCW डिपॉजिट, मतलब ऐसा कौन सा जो साइट है जहाँ से कि आपको PCW देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका नो है और अतरंजी खेड़ा है। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है वही सही है, नो अतरंजी खेड़ा दो साइट है जहाँ से जो है आपको PCW का जो है कि एविडेंस देखने को मिलता है, PCW वेयर आपको देखने को मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? एटा में है और यूपी में है। और अतरंजी खेड़ा खुदाई जो है कि किसने किया है? RC गौड़ ने किया है। जबकि नो आपका कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। ठीक है, और यहाँ पर खुदाई RC अग्रवाल ने किया है जहाँ से आपको PCW के एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है, इसमें क्या है? इसमें ये है कि इसमें मैच कराना है। ठीक है, और जिसमें मैच कराना है इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तो आप लोग प्लीज़ मैच करा लेना है। इसको क्या है इसमें? इसमें है वर्जिन सॉइल है, तो ए का दूसरा सही है। ठीक है, ए का जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, तो वर्जिन सॉइल आपका आएगा फ्री फ्रॉम द ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब वर्जिन सॉइल किसे कहते हैं? ऐसा सॉइल जिसमें जो है किसी भी तरीके का जो है मानव का एविडेंस उसमें न मिलता हो। ठीक है, जिसे नेचुरल सॉइल भी कहते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है, बी का चौथा सही है, सीलिंग लेयर है। ठीक है, तो इसमें काउंसिलिंग द प्रोसीडिंग वन, इसको थोड़ा हिंदी में देखेंगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। छत परत है, पिछले को छिपाती हुई परत। अच्छा, इसमें यह है कि जो लेयर्स मिलते हैं एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है। राइट, इसके बाद अनुवर है, आप लोग भी इसको मिला लेना यार, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है
इसमें जो क्वेश्चन नंबर 67 इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें कुछ साइट्स को मैच कराना है, ठीक है। इसमें शिशुपालगढ़ है, तो शिशुपालगढ़ खुदाई किसने किया है, बीबीलाल जी ने किया है, आपको पता होगा। एडम का जो है अमरनाथ ने खुदाई करा है, कहाँ पे, डीगा तीसरा है, तो ये भी सही है। दो अगर दो तीन भी अगर आपको आ रहा है तो फिर अपने आप आ जाएगा। अब बी का दूसरा है, तो बी का दूसरा आपका है संतनी कोटा है, तो इसका एन सी घोष है, और फिर चंद्रकेतुगढ़ बचा, तो इसका है के जी गोस्वामी, ठीक है। इस तरीके से जो है कि आप मैच करा सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ इन दिन दिया हुआ, इसको मैच करा लेना आप। और अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर का है, इसमें भी जो है कि मैच कराना है। इसमें टेम्पल दिया है और इधर उनका लोकेशन दिया हुआ है। तो ये जो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 68 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसमें एक आज दूसरा है, वराह टेम्पल कहाँ पे, एरन में मिलता है, ठीक है। वराह टेम्पल आपका एरन मिलता है, और एरन जो है चालकोल्थिक साइट भी है, और बराफ्स लोअर पैल्थिक भी है क्या। पार्वती टेम्पल कहाँ पे है, पार्वती टेम्पल नजना कुठारा टेम्पल भूमरा का, भूमरा में शिव टेम्पल आपको पता ही होगा, नजना कुठारा का पार्वती टेम्पल है। दशा अवतार टेम्पल आपका देवगढ़ का है, हिरन। इस तरीके से जो है कि आप लगा लेंगे, ये लोकेशन आपको पता ही होगा, इस हिसाब से आप जो है देखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। इसमें भी जो है आपका मैच कराना है। इसमें जो है कि विक्रम इरा है, सक इरा है, कलचुरी इरा है, कुल्लम इरा है। तो इसमें अगर आपको एक दो भी अगर याद होगा तो आप बहुत आसानी से जो है कि लगा लेंगे। तो जो विक्रम इरा है, विक्रम इरा कितना माना जाता है, 58 BC को विक्रम इरा माना जाता है। तो 58 BC कहाँ पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे है। तो एक आपका तीसरा सही हो गया। शक इरा आपका जो है कि 78 AD होता है, पता ही होगा आपको। इसके बाद आपका आता है कलचुरी चेदी संगमत, तो ये आपका है जो है 248 कहीं है, हाँ 248 यहाँ पे है। इसके बाद कोल्लम है आपका 824। इस तरीके से ऑप्शन आप मिला लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर इसमें जो है कहाँ पे है, सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। आगे चलते हैं, इसमें जो है कि हिंदी में भी आप जाए मिला सकते हैं यहाँ पे, हाँ। और इंग्लिश में जो है कि यहाँ पे मोढेरा का सन टेम्पल है, लोकेशन दिया हुआ है। तो मोढेरा का सन टेम्पल आपको पता है गुजरात में ही होगा। इसके बाद मार्तंड सन टेम्पल कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर ऑप्शन में यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है ललितादित्य मुक्तापीठ ने बनवाया था, 8 सेंचुरी का मंदिर है ये। और मोढेरा आपका शायद लेट का मंदिर है, ठीक है। मोढेरा जो मंदिर है सन टेम्पल, वो आपका 1026 से लेकर 1027 में जो है भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। कोडांग का सन टेम्पल नरसिंहदेव प्रथम ने साथ बनवाया है, 13वीं शताब्दी का है, 1257-58 ऐसे कुछ उसके टाइम पीरियड है। और ये कहाँ पे, उड़ीसा में है। और ये सूर्य कोविल जो है, तो ये कहाँ पे आपका सूर्य कोविल है, ये आपका तमिलनाडु है, जो एक बच रहा है तमिलनाडु में है। सूर्य कोविल आपका तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, और ये सूर्य को डेडिकेटेड है। और इसको किसने बनवाया था, प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर का है कुलोत्तुंग चोल देव ने बनवाया था, 1060 से लेकर 1118 के बीच में। सूर्य कोविल की मैं बात कर रहा था।